हाई फीचर ऑफिसर्स आई वेलकम यू ऑल बैक टू ए वी के एस एकेडमी ए वी के एस में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड फाइनली सी ए पी एफ़ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैच का एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है थ्री टू फोर डेज आप थ्री डेज समझ लो आपके पास बचा है एंड थैंक यू जो आपने रिस्पॉन्स दिया है थ्रू आउट द ईयर लास्ट वन ईयर जो आपने रिस्पॉन्स दिया है थैंक यू वेरी मच एंड होल हार्टडली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम कॉम्पिटेटिव फील्ड इज लाइक एन रनिंग कॉम्पिटिशन जिसमें ईच एंड एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट ये लास्ट थ्री डेज ईच एंड एवरी मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो भी अभी तक आपने प्रिपेयर किया है जो भी अभी तक आपने रिवाइज किया है कीप रिवाइजिंग वेरी गुड ईच एंड एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट डिमोटिवेट मत हो खुद को मोटिवेट रखो डेफिनेटली यू कैन डू इट ठीक है ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो भी आपको रोक सकता है आपने बहुत सही ढंग से प्रिपेयर किया है एंड अभी आज जो हम बात करने वाले हैं उससे भी थोड़े बहुत आपको यूजफुल टिप्स और यूजफुल मेटेरियल्स आपको मिल जाएंगे ठीक है हमारा कंप्लीट टीम का आशीर्वाद आपके साथ है चलो आगे बढ़ते आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस उसके बाद लास्ट डे टिप्स क्या है, देखेंगे एंड आज मैं आपको मेन शेयर करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फिफ्टी एमसीक्यूज ये रहा आपका 2022 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज 250 एमसीक्यूज यहाँ पे है जब भी आपको टाइम मिलता है एक दो घंटा निकालो एक घंटा दो घंटा निकालो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पे आपको पता ही होगा जो भी पता नहीं है बस आप रिविजन रिविजन पर्पज के लिए मैंने ये टू फिफ्टी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया है आपको करना क्या है कुछ नहीं एवी के एस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है ठीक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां पे आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसमें जो भी हमने क्वेश्चन दिया है ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थोड़े क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं और थोड़े क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर आंसर भी, भी दे दिया है ओके, okay? ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, uh, जरूर करना करंट अफेयर्स वेरी आप भूल जाते तो so, टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है आज हम कॉमन इंस्ट्रक्शन बस डिस्कस करेंगे एक दो में. थीज़, थीज़ आपको पता ही है लेकिन इन्फॉर्म करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर आप वन आवर बिफोर पहुंच जाओ ठीक है सेंटर में आपको क्या करना है एक घंटे पहले ही पहुंच जाना है नेक्स्ट वेयर मास्क मास्क आपको पहन के जाना है दो तीन मास्क आपके साथ लेके जाओ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको जरूर लेके जाना है पेपर वन कंप्लीटली आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है पेपर टू तो में जो इंस्ट्रक्शंस के पेज होते हैं स्टार्टिंग के वन टू जिसमें आप अपना रोल नंबर अपना सिग्नेचर पूरा करते हो वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक पेन यूज करना है एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन कहाँ पर यूज कर सकते हो ब्लू बॉल पॉइंट पेन जब आंसर राइटिंग होता है पेपर टू का जो आंसर राइटिंग होता है मतलब एसेज लिखते हो रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिखते हो वहां पर आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली आपको नॉर्मल वॉचेस आपको पहन के जाना है स्मार्ट वॉचेस आपको पहन के नहीं जाना है ठीक है स्मार्ट वॉचेस होते हैं जिसमें आ, आजकल बहुत ही हाई टेक वॉचेस भी है वो सब आपको पेन पहन के नहीं जाना है नॉर्मल डायल वॉचेस होते हैं वो पहन के जाओ ओके एनी गवर्नमेंट आई प्रूफ आप लेके जाना जो आपने आ, जो एप्लीकेशन के वक्त आपने दिया है वो आप आपके साथ लेके जाओ एक या दो कैरी करो ओके एंड लास्ट थिंग इज़ राइट पेपर टू एस एस इन द मीडियम इंस्ट्रक्टेड देखो रिसेंटली हमने काफ़ी सारे मैसेज देखा है कमेंट्स भी देखा है कि आ, आपने मीडियम ऑफ दी एस इसमें किस में बोलते हैं एप्लीकेशन में आपने हिंदी फिल किया है आप बोल रहे हो कि अभी इंग्लिश में लिखना है वो पॉसिबल नहीं है आप जो अगर इंग्लिश में फिल किया तो इंग्लिश ही लिखना है हिंदी में फिल किया तो इंग्लिश हिंदी लिखना है ठीक है स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना है तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जरूर आप फॉलो करो एंड नेक्स्ट थिंग इज पेपर वन का टारगेट कितना होना चाहिए पेपर वन का टारगेट आपका मिनिमम आपका वन प्लस होना चाहिए ठीक है वन प्लस आएगा देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ़ द कैटेगरी वन प्लस रहेगा एंड पेपर टू में नाइन्टी प्लस का टारगेट रहेगा डेफिनेटली आप मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली नाम आएगा ठीक है देखो यहाँ पे अगर कट ऑफ uh, के आसपास अगर आप मार्क्स लेके आते हो देन मेरिट लिस्ट में नाम लेके आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेकिन कट ऑफ से एक एटलीस्ट 15-20 मार्क एहेड रहोगे डेफिनेटली आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने का मैक्सिमम चांस रहेगा ओके सो वो आप ध्यान पे रखना है पेपर वन का 130, पेपर टू का 90 प्लस मार्क्स रहना है जरूर आप कर पाओगे अभी तक आपने पेपर टू का प्रैक्टिस नहीं किया है तो विदाउट लेट आप एक या दो पेपर जरूर आज आज या कल या परसों तक आप एक या एटलीस्ट एक या दो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है मतलब प्रैक्टिस जरूर पहले से ही करना है ओके नेक्स्ट लास्ट डे में ठीक है अभी तक ऑलमोस्ट ऑल रिविज़न पूरा हो गया है एंड बेसिकली ऐसे चीज़ें होते हैं जो बेसिकली आप भूल जाते हो ठीक है भूल जाना मतलब आप पढ़ते हो दस बार पढ़ते हो लेकिन वो भूल जाते हो वो कॉमन कॉमन मैं आपके सामने लेके आया आऊँ जो लास्ट डे जरूर आपको देखना है फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स है ठीक है आप अपना चॉइस है अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है अगर याद नहीं रहता है तो जो लास्ट दिन में आ, जो बेसिकली आप भूल जाते हो ना वो लास्ट दिन में एक बार आपको रिवाइज कर लेना है ठीक है मैं यहाँ पर जो भी दिया हूँ ये सारे आ, मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सो so, इसको हम बोलते हैं बेसिकली इजी क्वेश्चन ठीक है इजी मतलब इजी फॉर एवरी वन सो अगर ये इजी क्वेश्चन आप स्किप कर दे उसका मतलब आप कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बाहर बाहर चले जाओगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स जो है आपको ज़रूर याद करके जाना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे रिसेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स सारे आपको याद होने चाहिए रिसेंट कमिटीज सारे आपको याद होने चाहिए ओके करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट फोर मंथ्स के फाइव मंथ्स के करंट अफेयर्स आप पूरा रट्टा मार के चल जाओ लास्ट फोर फाइव मंथ्स के ओके okay? एंड वो पॉसिबल है आराम से दो तीन घंटे में पूरा हो जाएगा आपका बेसिक डेफिनेशंस देख लो बेसिक डेफिनेशन किस में देखोगे इकोनॉमी में देखोगे ठीक है अभी इन्फ्लेशन का चल रहा है जीडीपी है जीएनपी है ठीक है बेसिक डेफिनेशंस आप यहाँ पर आपको याद करना है नेक्स्ट साइंस के भी बेसिक डिफिनेशन होते हैं सारे आपको देखने हैं ठीक है फुल फॉर्म्स आपको देखने हैं डिस्कवरीज ठीक है डिस्कवरीज साइंटिस्ट के नेम्स भी आप यहाँ पर आपको देखने हैं फॉर्मूलाज भी देखने हैं फॉर्मुलाज भी देखने छोटे छोटे चीज है जहां से आपको एक दो मार्क्स मतलब एक दो बोल रहा हूं एक दो एडिशनली स्कोर करने के लिए मदद करेगा ओके नेक्स्ट प्रैक्टिस नहीं करना है लेकिन फॉर्मुलाज जितने भी टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं मतलब ये एरियाज uh, से प्रिपेयर करने के लिए हमने बताया वो सारे एरियाज़ में जितने सारे मतलब चैप्टर्स में जितने सारे आपके फार्मूलाज है फार्मूलाज भी एक बार आप रिवाइज कर लो फार्मूलाज पूरा एक बार आप देख के जाओगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा आपका दूर हो जाएगा एंड फाइनली मैपिंग मैपिंग आपको प्रैक्टिस करना है नेशनल uh, पार्क्स देखो नेक्स्ट थिंग इज रिवर सिस्टम पूरा देख लो कंप्लीट रिवर सिस्टम ठीक है एंड uh, आपको क्या देखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने हैं सो जो भी uh, आपके मेजर पोर्ट्स देखने हैं तो जो भी आपका मैपिंग का जो भी रिलेटेड है सारे आपको यहाँ पे कवर कर देने हैं तो ये सारे हैं लास्ट वन टू डेज में आपको करना है क्योंकि बेसिकली ये चीजें आप भूल जाते हो डेफिनेशंस भूल जाते हो ठीक है छोटे छोटे चीजें आप भूल जाते हो तो ये सारे चीजें करके जाओगे डेफिनेटली एग्जाम में एक पांच क्वेश्चन एडिशनली करके आओगे ओके एंड होपफुली फुल यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स थ्रू आउट द ईयर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम Thank you, thank you very much. Jai Hind.